Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. चार सौ छत्तीस लोगों को मौत के घाट उतारने वाली चंपावत टाइगर। सबसे पहले इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। फिर जब मेरी लाश का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि मैं 10 से 12 साल की एक मादा बंगाल टाइगर थी। मेरे मोलर्स यानी दाढ़ों की औसत 4 इंच थी। मेरी लंबाई 8 फिट और वजन 550 पाउंड था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें मेरे निचले जबड़े में एक पुराना निशान मिला, जहां मुझे एक अरसा पहले गोली मारी गई थी। इसकी वजह से मेरी दाईं दाढ़ मुकम्मल तौर पर सड़कर टूट गई थी। इस चोट ने मुझे और मेरे जबड़े की साख्त को बहुत कमजोर कर दिया था। 1900 की दहाई में मेरा खानदान 1,00,000 से भी ज्यादा रिश्तेदारों पर मुश्तमिल था। आज हम सिर्फ 3,000 के करीब रह गए हैं। जब शेर का शिकार यूरोप में एक खेल के तौर पर मकबूल हुआ तो बर्रे सगीर पर कब्जा करने के बाद अमीर बरतानवियों ने फैशन के तौर पर बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में हंटिंग पार्टीज तश्कील दे दी। हमारी खाल और आजा को दुनिया भर में बेचा जाने लगा और इस कारोबार में बहुत मुनाफा था। अपनी ताकत का जौहर दिखाने के लिए, या यूं कहूं कि अपना दिल बहलाने के लिए, एक बार बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजुम ने 10 रोज तक जारी रहने वाली एक हंटिंग पार्टी का एहतमाम किया। उन 10 दिनों में उन हंटर्स ने बेरहमी से 39 बंगाल टाइगर्स, 18 गेंडे, 4 रीछ और एक चीते को हलाक किया था। इस घिनौने मजाक में कई जानवरों को गोलियां तो लग गईं, मगर वो बच गए, जिनमें मैं भी शामिल थी। जबड़े में गोली लगने की वजह से मैं उस वक्त इस कदर तकलीफ में थी कि मुझे किसी करवट आराम नहीं आ रहा था। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बचना खुशनसीबी है या बदकिस्मती। मुझे तो इंसानी आबादी से दूर घने जंगलों, नदियों और घास के खुले मैदानों में रहना अच्छा लगता था। मैं जंगली सुअर और हिरन बहुत शौक से खाती थी। मुझे खरगोश और छोटी मछलियाँ भी बहुत पसंद थीं। इस चोट की वजह से मुझे अपनी फितरत बदलनी पड़ी और अपना कुदरती शिकार छोड़कर एक आसान शिकार की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। इंसानों को अपनी खुराक में शामिल करना मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। नोहे इंसानी आज तक कुदरत और फितरत के साथ जंग में फतेहयाब नहीं हो सका है। वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर पूछते हैं कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। लोग मुझे इफरीत कहा करते थे। क्या मैं सच में इफरीत थी या फिर सिर्फ एक भूखी जख्मी शेरनी जो जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, या फिर असली इफरीत, असली शैतान वो लोग थे जिन्होंने अपनी तफरी के लिए मुझे गोली मार दी थी। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।